हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। प्रॉपर वन टू वन चीजें हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर बहुत सारी चीजें वो भी हैं जो आपने ट्वेल्थ क्लास में सीखी हुई हैं। आज के इस क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं मेरे भाई पार्टिकल एक्सीलरेटर। अगर आपके पास सिलेबस है, नहीं है तो डाउनलोड कर लो यूनिवर्सिटी से, वरना पीडीएफ हम यहाँ पे डलवा देंगे सर जी, ठीक है। सिलेबस अगर आपके पास है तो एक एक चीज को देखो किस तरीके से चीजें दी हुई हैं, किस तरीके से हमने आपको न्यूक्लियर मॉडल्स कराए, किस तरीके से रेडियो एक्टिविटी बताई, सब कुछ वन टू वन करा रहे हैं। आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं पार्टिकल एक्सीलरेटर। आपने ट्वेल्थ क्लास में सुना होगा साइक्लोट्रॉन, आपने सुना होगा वन डे ग्राफ जनरेटर, सुना है सर जी, वही यहाँ पे पढ़ना है, सेम पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। सुनो, बहुत आसान होता। सुनो, एक्सीलरेटर का मतलब क्या? एक्सीलरेट करे, त्वरित करे। अरे मेरे भाई, बेग में परिवर्तन लेके आए, त्वरण पड़ा है छोटे क्लास में। बेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। लो, यह एक डिवाइस होता है, क्या करता है? जो माइक्रो पार्टिकल्स यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं को एक्सीलरेट करता है, मोशन में लाता है, उनके मोशन को चेंज करता है। जैसे साइक्लोट्रॉन हो गया, सिंक्रोट्रॉन हो गया, वैन डेर वाल्स जनरेटर हो गया, वीटाट्रॉन हो गया, ये सब हो गया भाई, ठीक है। हम लोग कौन कौन सा पढ़ेंगे अपने सिलेबस में? कौन सा है? साइक्लोट्रॉन अपने कोर्स में है, वैन डेर वाल्स जनरेटर अपने कोर्स में है। तो चलिए फिर वैन डेर वाल्स जनरेटर को ही शुरू कर लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैन डेर वाल्स जनरेटर के बारे में। थोड़ा सा बता दे तो सुनो भैया, वैन डेर वाल्स आदमी का नाम है, ठीक। वैन डेर वाल्स प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया। अब जनरेटर है तो जाहिर सी बात है वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा भैया, बहुत सारा वोल्टेज, लाखों वोल्टेज जब इससे प्रोड्यूस करना होता तब हम लोग इस जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत बड़ा होता है मेरे भाई, बहुत बड़ा का मतलब समझते हो कि लगभग 40-45 मीटर ऊंचे ऊंचे पिलर, मतलब बहुत बड़ा, एक पूरा ऑपरेटस लगाना पड़ता है, 2-3 मंजिल ऊंचा कह सकते हो, इतना बड़ा होता है भाई। यही इसके मिस यूज है, मतलब ठीक है, यही इसके मतलब दिक्कत का विषय यही है कि भाई इतना बड़ा है, अंधाधुंध वोल्टेज है, तो जो प्लस होता है वही माइनस हो जाता है। जैसे मेरे पिताजी नहीं है तो ये मेरा क्या है, ये माइनस पॉइंट, लेकिन यही प्लस पॉइंट भी है भाई, क्योंकि वो होते तो शायद हम भी चौड़िया रहे होते, फिर हमने मेहनत थोड़ी करी होती जिंदगी भर। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लस है वही माइनस है, बस आप देख किस नजरिए से रहो वो मैटर करता है। तो ये जनरेटर भैया, इसे लिखने से पहले, समझाने से पहले एक बार हम इसका डायग्राम आपको दिखाते हैं। सुनो क्या होता है इसका, ये देखो छोटा कर दे रहा हूं थोड़ा सा। इसमें होता क्या भाई, देखो ये तो पूरा एक चैंबर है जिसके अंदर इसे रख दिया है ताकि चार्ज लीक ना हो, ठीक। लेकिन मेन जो इक्विपमेंट है वो ये होता है। क्या होता है भैया, समझो, बहुत आराम से समझ लो। दो पिलर होते हैं भैया, देखो एक पिलर, दो पिलर रखे हुए हैं, ठीक है सर जी। उसके बाद क्या होता है, बिल्कुल आसान है, इसमें दो पुली लगी होती हैं। देखो एक पुली P1 है, एक पुली P2 है भाई, ठीक। यहां पर क्या है भाई, यहां से एक कंघा यहां पे लगा दिया, कंघा बोले तो कॉम्ब बोलते हैं, एक कंघा यहां लगा देते हैं ऊपर बल्ब के साथ में, ठीक। अब यहां पर एक चीज समझ लो, बहुत कह, ये जो बल्ब टाइप आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हॉलो आपको स्फेरिकल यानी शेप में गोला दिखाई दे रहा है, स्फीयर दिखाई दे रहा है, स्फीयर की दो क्वालिटीज होती हैं। पहली क्वालिटी ये होती है कि भैया उसे जो भी चार्ज मिलता है, जो भी चार्ज मिलता है, अच्छा इसमें दो चीजें हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहला, उसे जो भी चार्ज मिलेगा, चाहे अंदर दिया जाए चाहे बाहर दिया जाए, वो हमेशा उसकी सरफेस पे आ जाता है और समान रूप से फैल जाता है। पहली ये क्वालिटी है किसकी, स्फीयर की। दूसरी क्वालिटी है, ये जो नुकीले कंघे हमने बना रखे हैं, ये बहुत तेजी से आवेश को यानी चार्ज को एक्सेप्ट भी करते हैं और निकालते भी हैं। बचपन में हम लोगों को देखा गया, सिखाया गया नहीं, जब भी बिजली कड़क रही है किसी गुम्मत के पास में, ठीक है, किसी जो है इस तरीके के पास में मत खड़े हो जाके, किसी नुकीली चीज खंबे अंबे के पास में मत खड़े हो, बिजली गिर सकती। क्यों? क्योंकि भाई जो नुकीले वाले हैं भैया, उन्हें चार्ज वो अट्रैक्ट भी बहुत तेजी से करते हैं और निकालते भी बहुत तेजी से हैं। तो इन इसी क्वालिटी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी होगा नहीं भैया, यहां से चार्ज निकलेगा, यहां क्या होगा, बेल्ट पे, मतलब इसे क्या ना, बेल्ट पे आएगा, ये पुली यानी घिरने की सहायता से ये बेल्ट घूम रही होगी, चार्ज ऊपर आएगा, इस कंघे के द्वारा एक्सेप्ट करा जाएगा, इस कंघे से कहां पहुंच जाएगा, इसकी पूरी सरफेस पे पहुंच जाएगा, बार बार पहुंचता जाएगा और बहुत ज्यादा वोल्टेज में प्राप्त हो जाएगा सर जी, ठीक है। ये पूरा स्टील चैम्बर के अंदर रख दिया है। क्यों स्टील चैम्बर के अंदर रख दिया है? क्योंकि भाई चार्ज की लीकेज ना हो, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लो देखो भाई, यहां पे क्या किया, क्या करा भाई बताओ, वैन डेर वाल्स जनरेटर का इस डिवाइस को लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस यानी जब बहुत ज्यादा पोटेंशियल हमें जनरेट करना होता है, डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें क्यू चार्ज का पार्टिकल हाई काइनेटिक एनर्जी से एक्सीलरेट कर सके। हमने पहले कह दिया ये क्या है, चार्ज एक्सीलरेटर है। नीचे से भैया पहले कंघे से चार्ज निकला, पहले कंघे से कहां गया, बेल्ट पे गया, बेल्ट से एक्सेलरेशन हुआ, चार्ज ऊपर चलता हुआ जा रहा है, जब चलता हुआ ऊपर पहुंचा, दूसरे कंघे ने उसे एक्सेप्ट करा, दूसरे कंघे ने एक्सेप्ट करा और पूरी सरफेस पे फैल गया भैया। तो इसी तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी से एक्सेलरेट कर सके। यह हाईली एक्सीलरेटेड पार्टिकल न्यूक्लियर टारगेट से स्ट्राइक करके आर्टिफिशियल न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन प्रोड्यूस कर देता है, यानी कुल मिला के जो भी चार्ज होगा उसे ये एक्सेप्ट कर लेगा और आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा, मतलब
जो हमें वोल्टेज चाहिए है वो हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा भाई, वो भी समझा देते। देखो भाई प्रिंसिपल क्या, दो फैक्ट्स पे कार्य करता है। पहला फैक्ट क्या है बताओ, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। अब एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट क्या है, हमने आपको बताया कि भैया होता क्या, जो नुकीले वाले सिरे होते हैं, शार्प पॉइंट्स होते हैं, उन्हें ये वो बहुत तेजी से चार्ज को निकालेंगे भी और एक्सेप्ट भी करेंगे। तो एक तो उसका इस्तेमाल करेंगे भाई, ठीक। पहले क्या करेगा, पहले वो निकालेगा, ऊपर जाके एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा, किसी हॉलो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल की प्रॉपर्टी, इसे क्या स्फेरिकल शेल की प्रॉपर्टी क्या कि अगर इसे चार्ज देंगे तब यह क्या होता है, इसकी आउटर सरफेस पर आ जाता है तथा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी अगर आपने चार्ज दिया किसी हॉलो स्फीयर को तो क्या होगा, उसकी सरफेस पे आ जाएगा और पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना आसान है भाई, ये लो भैया। अब क्या करेंगे, हमने लिख दिया कंस्ट्रक्शन क्या, एक वन डे ग्राफ जनरेटर दिखाया गया है, इसमें लगभग 5 मीटर डायमीटर का, समझ रहे हो, 5 मीटर डायमीटर समझ रहे हो भाई, व्यास 5 मीटर का गोला है, 5 मीटर गोले का, अगर मतलब समझ लो कितना बड़ा बल्ब ऊपर इस्तेमाल करा गया, 5 मीटर का, एक मीटर के अंदर लगभग 3 फीट, 15 फीट, ये कमरा जो चौड़ाई है ये लगभग है भाई, ये जिसमें कमरे में पढ़ा रहे हैं ये चौड़ाई है लगभग 15 फीट, यानी लगभग इतना बड़ा गोला जितना बड़ा ये कमरा है, एक तरीके से देखा जाए तो इस बिल्डिंग के बराबर पूरा, जी पूरा 3 मंजिल बिल्डिंग जो है इतना बड़ा होता है भाई, ठीक है। तो मतलब बल्ब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं हॉलो स्फीयर का, जो दो बल्ब, इसलिए बोल रहे बल्ब की तरह एक्चुअल में स्फीयर है वो, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर, तभी तो चार्ज जाएगा। जो दो पिलर्स, पिलर क्या है, दो खंभे कह लो, ए और बी पर टिका होता है, P1 और P2 दो घिरनियां हैं, अभी हमने आपको दिखाई, जिससे होकर एक रबर बेल्ट गुजरती है, बेल्ट लगातार घूमती रहेगी, नीचे वाली पुली जो है मोटर की हेल्प से घूमती, जो नीचे वाली पुली होगी सर जी ये वाली, इसे मोटर की हेल्प से घुमाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जब बेल्ट घूमे, जिससे रबड़ की बेल्ट भी घूमने लगती है। C1 और C2 दो कंघे होते हैं भाई, देखो एक ये, उसे C1 C2 कह लो या B1 B2 कह लो, ये देखो P पहला कंघा क्या है, B1 है, चित्र में B1 है, और दूसरा क्या है, B2 भाई, दूसरा कंघा क्या होता है, B2 होता है। B1 B2 दो कंघे हैं, C1 हाई पोटेंशियल वाली बैटरी और C2 को स्फीयर S से जोड़ देते। देखो ये हाई टर्मिनल लिखा हुआ है, हाई पोटेंशियल वाली बैटरी से जोड़ दिया इसे, और इसे भैया काहे जोड़ दिया, B2 को काहे जोड़ दिया, जो अपना भैया स्फीयर है इससे जोड़ देते हैं, बस काम हो गया, क्या करोगे बताओ। तथा चार्ज लीकेज को रोकने के लिए एक चैम्बर के अंदर इस ऑपरेटर को रख देते हैं। बताओ भैया कितना आसान है, सबसे पहले क्या है भैया, दो पुली है, उनके ऊपर बेल्ट है, नीचे वाली को मोटर की हेल्प से घुमाएंगे, पहले कंघे को हाई टर्मिनल हाई पोटेंशियल वाली बैटरी से जोड़ देंगे, वहां से चार्ज आएगा, बेल्ट से ऊपर जाएगा, दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा, पूरे का स्फीयर पे फैल जाएगा, बढ़ता जाएगा और हमें ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। वर्किंग क्या है, जब कॉम C1 को हाई पहले कंघे को हाई पोटेंशियल दिया तो यह आयन प्रोड्यूस करता है, रिपल्शन के कारण आयन बेल्ट पर चले जाते हैं, बेल्ट की सहायता से आयन ऊपर ले जाए जाते हैं, जहां कंघा C2 इसे कलेक्ट कर ले, दूसरा वाला कंघा इकट्ठा कर लेता है, जिससे यह चार्ज स्फीयर, यहां पे गलत लिखा हुआ है, इसे आप स्फीयर कर लीजिएगा, ठीक है, यहां पे क्या करेंगे आप, स्फीयर ऐसा जी, ठीक है, स्फीयर की आउटर सरफेस यानी ऊपर की तरफ भैया पूरे पे चला जाएगा और निरंतर जाते रहने के कारण वोल्टेज बहुत अधिक हो जाएगा। बात खत्म हो गई। देखो भाई एक चीज समझ लो, जब तक आप कहानी की तरह चीजों को नहीं समझोगे तब तक रटते रह जाओगे। मोटा मोटा समझ लिया भाई, क्या है बांडेराफ जनरेटर, क्या जनरेट करेगा भाई, वोल्टेज जनरेट करेगा सीधी, क्या उपयोग है इसका, बहुत ज्यादा वोल्टेज इस्तेमाल करने के लिए, ये लो यूजेस क्या, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है, इंटेंस एक्स रेस प्रोड्यूस, इंटेंस मतलब बहुत तीव्र जो एक्स किरणें होती है, हम लोग जो एक्सरे कराने जाते हैं वो बहुत नॉर्मल एक्सरेज होती है भाई, बनना हड्डी गला देंगे यार, इतनी पावर होती है एक्सरेज में, तो इंटेंस जो तीव्र एक्स किरणें होती है उन्हें उत्पन्न करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। और साथ ही साथ चार्ज पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी उन्हें देना है, उन्हें गति करना, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है भाई, हमने आपको बताया त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ टाइम, टाइम के साथ अगर वेग में, जैसे हम 100 की स्पीड में मोटरसाइकिल पकड़े हुए हैं और सिर्फ 100 की स्पीड पे चलाते चले जा रहे हैं तो भैया कोई एक्सेलरेशन नहीं, थोड़ा जीरो है, लेकिन फिर नहीं, फिर भैंसी आ गई, फिर ब्रेक लगाया, फिर बढ़ाई, फिर चलाई, फिर रुकी, तब क्या होगा, तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर। तो एक्सेलरेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी मिल रही, गति मिलती जा रही, नहीं रॉकेट हो गए भैया एक तरीके से, नहीं पीछे किसी ने पेट्रोल छुआ दिया, वो वाला मामला हम लोगों की भाषा में। तो इस तरीके साइज में बड़ा होने के कारण असुविधाजनक होता है और पोटेंशियल बहुत ज्यादा होने के कारण ये खतरनाक होता है। तो ये हम लोग जो है स्टार्ट करें, हमने इसमें हम लोग एक और पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, ठीक है, पीडीएफ वगैरह रेडी करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको डेली तो वीडियोस दें ही, और बाकी क्योंकि 15 तारीख को हमें निकलना है, थोड़ा सा शादी वगैरह है घर में, तो उससे पहले काम तो इस समय बहुत है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी, उससे मतलब नहीं, वो मेरी पर्सनल लाइफ है, ये प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों को हम हमेशा कोशिश करते हैं पूरी तरीके से मैनेज करें। और 12th के पेपर भी आ गए 22 तारीख से, और टेंशन मत लीजिए सर जी, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको करा के जाएंगे, हमने पहले भी कहा था, क्योंकि हम कतई देसी आदमी खुले हुए, जो कहते हैं दिल से कहते हैं, खुल के कहते हैं, कोई घुमाने वाली बात अपनी नहीं होती सर, ठीक है, और दिल से पढ़ाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, नए हो
अब नए क्या हो, ये तो जो वीडियोज़ हैं एप्लीकेशन के लिए रिकॉर्ड करना है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर बाई चांस कभी वन डेग्राफ जनरेटर में चाहिए होगा, जनरेटर अगर ये एप्लीकेशन पे, अगर ये यूट्यूब पे पब्लिक हुआ तो वहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, तो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बीडी कैडेट बीएससी पे, वरना यहीं पे सब कुछ अपलोडेड है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।